ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपा कुमारा गोविंदा हे कृष्णा करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत तप्ता कंचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वर वृषभानो सुत देव प्रणामामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद जी महाराज ने जो कविता की रचना की जलदूत में जहाज में उसी कविता के विषय हम इन दिनों सत्संग कर रहे हैं और इसी कविता में जो शिला प्रभुपाद जी महाराज ने भागवत के आठवें स्कंद के नवे अध्याय के 28वें श्लोक को जो उन्होंने कोट किया है हवाला दिया है हे भगवान मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सपों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। अगर इस पहली लाइन के विषय हम चर्चा करें तो जो भौतिकवादी लोग हैं जो सामान्य लोग हैं उनका संग करना ही मतलब अपने आप को खड्डे में डालना है। क्यों? कि उनके साथ रहने से और हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, उनकी संगति करने से और हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। इस विषय में मैं बहुत बात कर चुका हूं, इसलिए ऐसे लोगों का संग भौतिक वादियों का संग अंधे कुएं की तरफ ले जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते चले जाओ उसमें। और जैसे मैंने कल कहा कि कोई जिंदगी का ऐसा बिंदु आ जाए जहां हम कहें बस अब ठीक है, लेकिन बस अब ठीक है कब होगा जीवन में? जब संतोष आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगी जब। सेटिस्फेक्शन और आत्म साक्षात्कार के लिए सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि जो है वो पहला कदम है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज बताते हैं फर्स्ट सेल्फ सेटिस्फाइड, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन सेल्फ सेक्रीफाइस, देन सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप संतुष्ट हो गए, अब संतुष्ट कब हो गए? सेटिस्फाइड कब हो गए? आप सेटिस्फाइड कब होंगे? जब आपको ये भरोसा हो जाएगा पक्का कि भगवान ने मुझे जो दिया है वो मेरे लिए बेस्ट है। कृष्ण ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बेस्ट है और जहां रखा है वो मेरे लिए बेस्ट है। क्यों? वो कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। ये विश्वास तो लिया हूं पक्का, कृष्ण कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता।
कृष्ण मेरा कैसे बुरा कर सकता है, वो तो कृपा का सागर है, दया का सागर है, करुणा सिंधु है, नहीं इसमें भी मेरा कोई भला होगा जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कल ही कहा था कि बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमारे माँ बाप की हमारी समझ में नहीं आती थी, या हमारे टीचर की कई बातें हमारी समझ में नहीं आती थी, या डॉक्टर की कई बातें जो दवाई दी जाती थी बचपन में हमें समझ में नहीं आती थी, जबकि उल्टा हमारा मन खेलने कूदने भागने दौड़ने में लगा रहता था, लेकिन जो माँ बाप कहते थे आज पता चला उसी में हमारा भला था। इसी तरह से आज जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो भगवान ने हमें हमारी हैसियत के अनुसार दिया। ईशोपनिषद का पहला श्लोक, ईश्यवास्य सर्वेदम, ये जो भी है ईश्वर का है और उन्होंने आपको आपका हिस्सा जानकर वो आपको दे दिया, अब उस पे आप खुश रहो, उस पे आप संतुष्ट रहो, उस पे आप शुक्र करो, उस पे आप सेटिस्फाइड रहो। क्यों कि भगवान जो आपको देता है, और एक बात याद रखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि स्ट्रगल मत करो, अपने कर्म मत करो, स्ट्रगल करो, लेकिन जब वो स्ट्रगल पूरी हो जाए तो उसका रिजल्ट भगवान पे छोड़ दो, कि मेरा कर्म, मेरा काम था कर्म करना, अब उसका परिणाम क्या निकलता वो जो बेस्ट होगा वो आप दोगे, जो बेस्ट होगा मेरे लिए, जो सबसे भला होगा वही दोगे आप मुझे, और अभी तक भी जो मुझे दिया है वो मेरे भले का ही है। तो क्या है, हमारा जीवन आहिस्ता आहिस्ता कृष्ण की ओर मुड़ेगा, लेकिन कब, अब आगे इसी में कह रहे हैं, सातवें स्टंजा में श्रील प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, ये जो आप सब बैठे हो ना, मैं हमेशा क्वालिटी पे डिपेंड करता हूं, क्वांटिटी पे नहीं। बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ही लोग हों जो प्रैक्टिकली चलने वाले हों, वो बहुत है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस रास्ते पे चलने वाले बहुत थोड़े होंगे। मैंने एक जगह पढ़ा, धर्म के रास्ते पे चलने वाले भीड़ से अलग होते हैं, क्योंकि धर्म के रास्ते पे भीड़ कम होती है, क्योंकि उस पे चलने वाले भी कम होते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि करोड़ों लाखों लोगों की भीड़ होगी, जो होंगे वो कृष्णमयी होंगे, ये महत्वपूर्ण है, जो होंगे वो भजनमयी है, ये महत्वपूर्ण है, जो भी होंगे उनके जीवन में कृष्ण आधार होगा, उनके जीवन का भजन आधार होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे भगवान कृष्ण, अब शिला प्रभुपाद जी महाराज देखिए, पहले उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के विषय इनडायरेक्टली इशारे दिए कि मैं अपने गुरु की सेवा कभी भी नहीं छोड़ सकता हूं, उसमें प्रहलाद महाराज ने जो श्लोक दिया उसका हवाला दिया। क्योंकि एक बात याद रखो, जो गुरु महाराज है, मैं जब गुरु की बात करता हूं तो वो प्रमाणिक गुरु की बात कर रहा हूं, वो गुरु जिसके विषय शास्त्र में कहा गया है। यहां पर शब्द गुरु का हमारे देश में बहुत दुरुपयोग हुआ है, कोई भी लोग किसी को भी गुरु बना लेते हैं और कोई भी लोग किसी को भी शिष्य बना लेते हैं।
जरूर नहीं है कि जो भी अच्छी बातें करता हो वो गुरु हो, क्योंकि अच्छी बातें तो कभी कभी बुरे लोग भी करते हैं। मैं आप भी ऐसे कई बुरे लोगों को जानते होंगे जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते होंगे। अच्छी बातें करना महत्वपूर्ण बात नहीं है, बात है सच्ची बातें करना, जो शास्त्रों में कहा गया हो प्रमाण के साथ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज जहां बोलते जो बोलते बताते, भागवत भगवत गीता ब्रह्म संहिता चैतन्य चरित, ये श्लोक वो अध्याय ये अध्याय ये रेफरेंस। वही संस्कार श्रील भक्तिपाद जी महाराज में आए और वही संस्कार हम लोगों में आए। जो बोलना है वो सत्य पे आधारित हो, शास्त्रों पे आधारित हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने एक जगह बहुत अद्भुत बात कही कि उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि मुझ में खामियां हैं और मैं ये भी मानता हूं कि मेरे शिष्यों में भी खामियां हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो परम सत्य है, क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा है। कृष्ण के द्वारा जो है वो परम सत्य है और वही हमें दोहराना है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने एक जगह बहुत अद्भुत बात कही, तुम बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हो बशर्त जो मैंने लिखा है वही पढ़ो और वही दोहरा दो। इसको कहते एवं परंपरा, जो गुरु से सुना वो सुनाया, लेकिन जो गुरु से सुना वो प्रमाणिक हो, प्रमाणिक हो, उसका प्रमाण हो। अब यहां पर प्रहलाद महाराज का रेफरेंस देकर श्रील प्रभुपाद जी महाराज ये सिद्ध करते हैं कि अपने गुरु महाराज की जो सेवा है वो किसी स्वरूप में भी मैं छोड़ नहीं सकता हूं, और ये जो मैं प्रचार करने जा रहा हूं वो भी मेरे गुरु की सेवा है। क्यों? कि वो मेरे गुरु की आज्ञा है। गुरु की सबसे बड़ी सेवा यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन हो। आप 1,00,000 रुपए गुरु को देते, 10,00,000 देते हैं, सोना चांदी देते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं मानते। गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, तो ये सेवा नहीं हो सकती। सेवा ये है जो गुरु की आज्ञा को सर आंखों पे ले। और याद रखना, गुरु महाराज को भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो हमको कोई ऐसी आज्ञा नहीं देते हैं कलयुग में जो हमारे लिए मुश्किल हो, जो हमारे लिए कठिन हो। वही आज्ञा देते हैं जो हम कर पाते हो। और सबसे श्रेष्ठ आज्ञा गुरु महाराज की चैंट बी हैप्पी, हरे कृष्ण 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 हरे। और देखो श्रील प्रभुपाद जी महाराज, संत बड़े दयालु होते, संतों का हृदय मोम से ज्यादा पिघलने वाला होता, बिल्कुल मोम से ज्यादा पिघलने वाला उनका संतों का हृदय होता है। संत कभी कठोर हृदय नहीं होते। इस आज्ञा में भी हमारा भला है, क्यों? कि गुरु की जो आज्ञा शिष्य को मिलती है वो शिष्य के भले के लिए होती है, शिष्य के भले के लिए होती है। इस आज्ञा में भी देखिए हमारा भला है, इस आज्ञा में भी हमारा भला। कैसे? उन्होंने कहा चैंट एंड बी हैप्पी, अगर भजन करोगे तो खुश रहोगे, सुखी रहोगे। देखो इसमें भी हमारा भला है। जो गुरु की आज्ञा होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला ही होता। चैंट बी हैप्पी, बजो और खुश रहो, इसमें भी हमारा भला है। आप देखिए प्रभुपाद जी महाराज कितने दयालु हैं।
सब उस दया के कारण उस दया से विवश हो जाते हैं महापुरुष। हे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, आप दया के सागर हैं वैष्णव, कल्पतरु वृक्ष के समान होते हैं वैष्णव। अब वो बता रहे हैं कि जब मैं अपने गुरु की आज्ञा पे चला, अब 70 साल की उम्र है लेकिन फिर भी वो यही सोच रहे हैं मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। मैंने कहा ना कि ये भौतिकता अंधा कुआं है, इसका कभी अंत नहीं है। मैं उस दिन परसों तरसों बता रहा था कि लोग कभी कभी रिटायर्ड हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी उनको कहती है अब जाके बाबा तुम घर आराम करो घर पे, लेकिन वो आराम करने के बाद क्या बोलते हैं, क्योंकि उनको वो समझ नहीं है। अरे यार घर पे बैठा बैठा बोर हो जाता हूं, सोचा कोई छोटा मोटा काम कर लूं, जबकि उनको उनके खर्चे के लिए सरकार है पेंशन भी देती है कि तुम बैठो घर पे बैठ के खाओ। लेकिन फिर सोचते घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, सोचा चलो कोई काम कर ले, लेकिन उसको इतनी बुद्धि नहीं आती कि घर पे बैठे बैठे बोर होते हैं तो चलो भागवत व भगवत गीता पढ़ लें, वो समझ नहीं आएगी। चलो घर पे बैठे बैठे बोर होते हैं तो किसी मंदिर में जाके सेवा करके आए, ये समझ नहीं आएगी। चलो घर पे बैठे बैठे बोर होते हैं तो तीर्थों में जाके अगर है सामर्थ तो वास करें, ये समझ कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी? क्योंकि उनको ये कोई समझाने वाला नहीं है, उनको ये कोई समझाने वाला नहीं है। और जिनको समझाने वाला होता है, जिनको समझाने वाला होता है वो समझ जाते, वो अपना जीवन पूरा कृष्णमय कर लेते, भजनमय कर लेते, सत्संगमय कर लेते, कथामय कर लेते, दर्शनमय कर लेते हैं और जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वास्तविक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे।